क्या कीजिएगा इस बार? संसद में मजबूत करना है, कौन है मुसलमान का नेता देश में? ओवैसी साहब हैं, उनके पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं वकार सिद्दीकी साहब। क्या क्या सब समस्या आप लोग को? समस्या यही है कि हम गांव में नाला नहीं है, पैप गार के गया पहले पैर का आदमी अभी आया नहीं, खराब हो गया, देखने के लिए आता है, यही परेशानी। इंदिरा आवास मिला कभी आपने? नहीं, हमें आवास नहीं मिला, कभी नहीं मिला। शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं मिला। मोदी जी घर घर शौचालय भी आप लोगों ने मिला? कौन खा गया पैसा? क्यों पहले का मुखिया वार्ड से था, वही खाया होगा। क्या कीजिएगा इस बार? इस बार चुनेंगे संसद में मजबूत करना है, आप लोग कर रहे हैं। सांसद जी कभी आए? कभी नहीं, अच्छा उसको तो चिन्हो नहीं कर, सकल भी नहीं देखे, सकल भी नहीं कोई देखे होगा, शायद कोई देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो सकल भी नहीं देखा होगा। आप देखे हैं? क्या कहिएगा, कुछ काम उन किए हैं कि नहीं? वो नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। वो अपना आप तो किया होगा तो किया होगा, बस बाकी किसी का नहीं। आज से क्योंकि रोड नहीं बना पाया, कोई आदमी तो सकल वो नहीं, सकल सूरत। फिर कौन है मुसलमान का जो है देश में, कौन है नेता? वैसी है तो मैं यहाँ आता नहीं है, नहीं ना, उनका कैंडिडेट है यहाँ, नहीं ना, उन्होंने वकार सिद्दीकी को टिकट दिया है यहाँ, राजद गठबंधन ने फातमी साहब को दिया और वकार सिद्दीकी को ओवैसी साहब ने दिया, बीजेपी ने अशोक यादव। कौन है तीनों में सबसे अच्छा नेता? मुसलमानों की स्थिति भी काफी बिल्कुल नाजुक, बहुत ज्यादा खराब है मुसलमान। इस हालात में मुसलमान को, मुसलमान का कौन चेहरा होगा, कौन होगा सबसे बड़ा नेता संसद में ऐसा जो देखने वाला हो, जिनकी आवाज संसद में पहुंचे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़।